आज हमारा सॉफ्टवेयर है विजुअल बेसिक, जिस शॉर्ट फॉर्म में वीबी कहा जाता है। प्रोग्राम नंबर 20 है। टॉपिक का नाम है एडिशन ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर का एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह आपने पहले भी कैलकुलेशन की भी है, ठीक है। इसके डिफरेंट मैथड्स हैं, आपको उन सब के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। अब हम जो एडिशन करेंगे वो डायमेंशन के थ्रू करेंगे। आपको याद होगा आपने डायमेंशन के थ्रू एक लेक्चर और भी किया है, स्टेटिस्टिकल सीरीज सम वाला, ठीक है। डायमेंशन किसके लिए यूज़ किया जाता है वो आपको पहले भी बताया जा चुका है, मैं दोबारा बता देती हूँ। द विजुअल बेसिक कंपाइलर यूजेस द डायमेंशन स्टेटमेंट टू डिटरमाइन द वेरिएबल डेटा टाइप एंड अनदर इंफॉर्मेशन सच एज विद what code and access the variable. The following example declares a variable to hold an integer value. You can declare a variable, a procedure, block, class, structure and module. Dimension का एक statement होता है जो variables के data और उसकी information जो भी है उसे visual basic के थ्रू compiler करता है, ठीक है। और ये आपको बताता है कि आपने किस किस coding को किस code को किस variable से represent किया, उन सबको ये control करता है, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने आपको इसका लेक्चर नंबर 10 आई थिंक था स्टेटिस्टिकल सीरीज सम, उसमें भी समझाया था और यहाँ पे भी इसका दोबारा यूज आ गया। अब देखिए इसी डायमेंशन के थ्रू हम दो नंबर्स को आपस में कैसे ऐड करते हैं। अब हमने यहाँ पे कौन से बटन लिए, लेबल्स ले लिए। हमारे पास 4 लेबल है। फर्स्ट लेबल के अंदर मैंने लेक्चर का नाम सेट कर दिया, बाकी हम अपने फॉर्म के लिए यूज करेंगे। 3 टेक्स्ट बॉक्स है और 1 कमांड बटन है, ठीक है। अब हम लेबल्स के नेम सेट कर देंगे वन बाय वन क्लिक करके। एंटर नंबर सेकंड में भी सेट कर दिया एंटर नंबर। यहाँ पे हमारे वो दो नंबर्स आएंगे जिनको हमें आपस में डायमेंशन के थ्रू ऐड करना है। शो आंसर टेक्स्ट बुक्स को हम क्या कर देंगे, खाली कर देंगे। और हमारे पास टेक्स्ट बुक सिर्फ दो ही हैं, ये हमारे पास लेबल जो है 5 है, यानी कि हम जो आंसर शो करवाना चाहते हैं वो लेबल के अंदर ही शो करवाना चाहते हैं। तो हमने आंसर के लिए भी लेबल लिया है जिसका नाम है लेबल 5। तो हम इसको भी हम ब्लैंक कर देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम इन दो टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर अपनी वैल्यू यानी नंबर एंटर करेंगे जिन्हें हमें ऐड करवाना है, तो उसके बाद जब हम कमांड बटन पे क्लिक करके इसका आंसर देखेंगे तो वो यहाँ लेबल 5 के अंदर आएगा, इसलिए हमने पहले उसके लिए जगह क्लियर कर दी है। हम ये हमारा कमांड बटन है जिसका नाम हमने पहले से ही सेट कर लिया था, क्लिक हियर, ठीक है। अब आप इसी कमांड बटन पे डबल क्लिक करके कोडिंग टाइप करेंगे, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे आपके कमांड के सब्जेक्ट आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, डिम, डायमेंशन की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, DIM, ठीक है। डिम ए हम अपने वेरिएबल सेट कर रहे हैं, ए वेरिएबल हमने रखा एज अ इंटीजर सेट करेगा उसे, ठीक है। फिर डिम बी एज इंटीजर हमने सेट कर दिया। फिर डिम सी, यानी दो वैल्यू है, दो यानी ए बी के अंदर हम अपने नंबर्स डालेंगे और सी हमारा जो होगा वो आंसर को रिप्रेजेंट करेगा, सी वेरिएबल हमारा आंसर को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके लिए हम डायमेंशन के थ्रू अपने वेरिएबल एज इंटीजर सेव कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। अब ए किसके इक्वल है, जो नंबर हम टेक्स्ट 1 के अंदर डालेंगे उसके इक्वल है, ठीक है। फिर हमारा बी किसके इक्वल है, जो हम नंबर टेक्स्ट 2 के अंदर डालेंगे उसके इक्वल है। फिर हमारा सी किसके इक्वल है, ए प्लस बी, यानी ए और बी आपस में प्लस हो जाए, और ए बी क्या है, टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 के नंबर्स जो कि हम रिजल्ट स्क्रीन में ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें आंसर किस में चाहिए, लेबल 5 के अंदर। तो लेबल 5 डॉट कैप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू सी, यानी के और सी हमारा ए प्लस बी है, और ए प्लस बी यानी ए बी हमारा टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 है, और टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 हमारा क्या है, जो नंबर हम इनके अंदर ऐड करेंगे रिजल्ट स्क्रीन के अंदर। ये आपकी कोडिंग यहाँ पे कंप्लीट होगी। राइट क्लिक करके हाइड करेंगे, फॉर्म वाले पेज पे आएंगे, रिजल्ट स्क्रीन के लिए F5 प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम अपने नंबर ऐड करेंगे जिनको हमने आपस में ऐड करवाना है, एडिशन करवाना है। क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो देखें लेबल 5 के अंदर आपका डायमेंशन के थ्रू एडिशन होकर दोनों वैल्यूज का आंसर आ जाएगा। तो आपका प्रोग्राम नंबर 20, टॉपिक नेम एडिशन ऑफ टू नंबर्स, कंप्लीट हो गया।